नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन सरकार में एक भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर के साथ पुलिस थाने में पुलिस ने यौन उत्पीड़न किया और पीटा। पीड़ित महिला रो रो कर अपनी आपबीती बता रही है। पीड़िता का कहना है कि उन लोगों ने मेरी जैकेट से ही मेरे हाथ बांध दिए। एक महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से मेरे पैरों को बांध कर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया और मेरी ब्रा हटाकर मेरे ब्रेस्ट पर लगातार लात मारता रहा। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। फिर एक पुलिस का अधिकारी आया, उसने मेरी पैंट उतारी, अपनी भी पैंट उतारी और अपना पीनिस निकालकर बोला कि कितनी बार तुम लेना चाहोगी कि चुप रहोगी। मामला भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन का है। ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद महिला मीडिया के सामने आई और पुलिस स्टेशन में अपने साथ हुई एक एक बात का खुलासा किया। ओडिशा में पुलिस थाने में हुई बर्बरता का मुद्दा गर्मा गया है। महिला के मुताबिक 15 सितंबर की रात लगभग 1 बजे का वक्त था। वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही थी। कार में उनके साथ उनके मंगेतर भी थे जो भारतीय सेना में मेजर हैं। इसी बीच कुछ लड़कों ने उनकी कार रोकी और हाथापाई करने लगे। महिला और उनके मंगेतर किसी तरह बचकर निकले और सीधे भरतपुर पुलिस थाने पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी शिकायत देते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कही। महिला का कहना है कि थाने में एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने हुए रिसेप्शन पर बैठी थी। उन्होंने उससे शिकायत दर्ज करने और युवकों को तुरंत पकड़ने के लिए पुलिस भेजने को कहा। इस पर उस महिला कांस्टेबल ने मदद करने के बजाय उनके साथ बदतमीजी की। जब पीड़िता महिला ने उसे ये बताने की कोशिश की कि वो एक वकील है और FIR दर्ज करना उसकी ड्यूटी है, तो वो बुरी तरह भड़क गई। इतने में एक PCR आई और उसमें से एक महिला पुलिसकर्मी सहित कुछ पुलिस वाले उनके पास पहुंचे। उन्होंने महिला के मंगेतर से कहा कि वो लिखित में अपनी शिकायत उन्हें दें। हालांकि कुछ देर बाद ही पता नहीं क्यों पुलिसकर्मियों ने मेजर को हवालात में बंद कर दिया। पीड़ित महिला ने जब कहा कि वो एक आर्मी ऑफिसर को इस तरह सलाखों के पीछे बंद नहीं कर सकते, तो दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने उनके बाल पकड़े और मारपीट करना शुरू कर दिया। अपनी आपबीती में पीड़िता ने बताया कि वो बार बार उनसे खुद को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन दोनों महिला पुलिसकर्मी उन्हें बाल पकड़कर घसीटती हुई थाने के अंदर ले गई। इस दौरान एक महिला कांस्टेबल ने उनका गला घोंटने की कोशिश की, जिस पर पीड़िता ने उसके हाथ पर काट लिया। इसके बाद उन लोगों ने पीड़िता के हाथ उनकी जैकेट से और पैर एक महिला कांस्टेबल के दुपट्टे से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वहीं मेजर ने क्राइम ब्रांच के ADG को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि जब उनकी मंगेतर ने पुलिसकर्मियों से गिरफ्तारी वारंट मांगा तो उसे घसीट कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए और 4 पुरुष पुलिस वालों सहित 3 महिला पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की। इनमें थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर भी शामिल थे। ओडिशा में आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ थाने में हुई घिनौनी हरकत पर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोले हैं। उन्होंने मामले की अदालत की निगरानी में SIT जांच और न्यायिक जांच की मांग की है। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने घटना की निंदा की और इसे बहुत चौंकाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में एक आर्मी मेजर और उनकी मंगेतर के साथ जो हुआ उसके बारे में सभी ने सुना है। इन दोनों के साथ हुई हिंसा और मेजर की मंगेतर और पर यौन उत्पीड़न की ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। हम इस मामले की पूरी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। ये ओडिशा में एक सेवारत आर्मी ऑफिसर और एक महिला के साथ हुआ है। कांग्रेस ने ओडिशा मामले पर मोदी सरकार और BJP सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुस्से में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में शिकारी न केवल सड़कों पर हैं, बल्कि पुलिस बल के भीतर भी हैं। महिलाएं पुलिस थानों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुप हैं, जैसे कि UP, ओडिशा, बिहार और बदलापुर जैसे सत्तारूढ़ राज्यों में सभी भाजपा नेता चुप हैं। वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और उनके पास महिला सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने का समय नहीं है। इस मामले पर BJP की कोई भी महिला सांसद बोलने को तैयार नहीं है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में उचित विरोध किया, लेकिन अन्य राज्यों के बारे में क्या, जहां वो सत्ता में है, इसे कौन उचित ठहरा सकता है? महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? कांग्रेस ने कहा कि अपराधी से बचकर लोग पुलिस थाने इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा मिले, लेकिन आज देश की आधी आबादी को पुलिस स्टेशन के अंदर ही नोचा जा रहा है।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों और घिनौनी हरकतों पर मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में दो महिलाओं को आदमखोर की भीड़ ने नोचा, जिनमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ते भर पहले मध्य प्रदेश में दो आर्मी ऑफिसर अपनी महिला मित्र के साथ घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। लेकिन मोदी सरकार इस पर खामोश है, क्योंकि वो महिला अपराधों पर सिर्फ गंदी राजनीति करना जानती है। आज नरेंद्र मोदी को पूछना होगा कि सरकार बनते ही एक बेटी के साथ पुलिस थाने में ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने इस घटना के लिए देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है, जहां बीजेपी के डबल इंजन सरकार बनती है, वहां रक्षक भक्षक बन जाता है। राहुल गांधी को धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ एक भाजपा नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी के मद्देनजर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी की आस्था अगर लोकतांत्रिक मूल्यों, बराबरी के संवाद और बुजुर्गों के सम्मान में होती तो इस पत्र का जवाब वो खुद देते। इसके बजाय उन्होंने नड्डा जी की ओर से एक हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब लिखवाकर भेज दिया। 82 बरस के एक वरिष्ठ जननेता का निरादर करने की आखिर क्या जरूरत है। लोकतंत्र की परंपरा और संस्कृति प्रश्न पूछने और संवाद करने की होती है। धर्म में भी गरिमा और शिष्टाचार जैसे मूल्यों से ऊपर कोई नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है। प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा रखते हुए सचमुच एक अलग मिसाल रखनी चाहिए थी। अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी राजनेता के पत्र का आदर पूर्वक जवाब दे देते तो जनता की नजर में उन्हीं की छवि और गरिमा बढ़ती। ये अफसोस की बात है कि सरकार के ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन हमारे नेताओं ने इन महान परंपराओं को नकार दिया है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर निकलने की हिदायत दी थी, नसीहत दी थी। अब उसको हाई कोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर फिर से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बार अवमानना की चेतावनी तक दे डाली। दरअसल सीबीआई ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें 2021 के बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने गवाहों को डराने धमकाने की आशंका का हवाला देते हुए दिसंबर में इन मामलों को ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ने उस याचिका में कहा था कि बंगाल में अदालतों में व्याप्त शत्रुतापूर्ण माहौल है और इसलिए केस को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की अदालतों के खिलाफ घृणास्पद आरोप लगाने के लिए सीबीआई की खिंचाई की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर कहा कि सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की पूरी न्यायपालिका पर आक्षेप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पश्चिम बंगाल की सभी अदालतों को शत्रुतापूर्ण बता रहे हैं। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश खुद की रक्षा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि मुकदमे ठीक से नहीं चलाए जा रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस वेदव्यासाचार्य शीशानंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल इलाके को दूसरा पाकिस्तान कहा था, जिसके बाद बवाल मच गया और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी है। सीजीआई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कहा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगने के बाद हम इस बारे में कुछ बुनियादी दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। चीफ जस्टिस से प्रशासनिक निर्देश मांगने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस मुद्दे पर 2 दिनों में एक रिपोर्ट सौंपने को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को बुधवार तक के लिए टाल दिया, यानी इस मामले पर अगली सुनवाई बुधवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट में एक जज की आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने 2 अलग-अलग टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया। इस खंडपीठ में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस वेदव्यासाचार्य शीशानंद ने एक मामले की सुनवाई के दौरान महिला वकील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जबकि एक दूसरे मामले में बेंगलुरु की एक इलाके की तुलना पाकिस्तान से की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को भी इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा। 25 सितंबर को इसमें आगे की सुनवाई होनी है। बता दें, कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस जज शीर्षानंद वायरल क्लिप में एक महिला वकील को कहते हैं, आप विपक्षी पार्टी के बारे में काफी ज्यादा जानती हैं। इसके आगे वो आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को फटकार लगाई और पूछा कि हाफ पाकिस्तानी का क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप किसी कम्युनिटी को लेकर ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक ने
स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की इंटरफेथ मैरिज पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुंडू राव के घर में एक पाकिस्तान है, इसलिए राष्ट्र विरोधी बयान देना उनकी आदत है। सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार सुबह कथित तौर पर हैक कर लिया गया। चैनल ने यूएस आधारित कंपनी रिपल लैब्स द्वारा विकसित क्रिप्टो करेंसी XRP को बढ़ावा देने वाले वीडियो स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का चैनल अदालत की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम करता था, फिलहाल अब इसको डिसेबल कर दिया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उल्लंघन का संज्ञान लिया है और कदम उठा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी की एक रैली हो चुकी है और जल्द ही उनकी कई रैलियां 2 अक्टूबर से पहले हरियाणा में होने वाली हैं। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के भी हरियाणा दौरा शुक्रवार को जगाधरी से शुरू हो गया, लेकिन इस सारी हलचल के बीच राहुल गांधी हरियाणा के चुनावी सीन से गायब हैं। उनकी अभी तक हरियाणा में एक भी रैली नहीं हुई, जबकि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को बेहतर स्थिति में तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता चुके हैं। बहरहाल हरियाणा के इस गांव में राहुल गांधी शुक्रवार 20 सितंबर की सुबह दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका में हुए एक हादसे में घायल हुए स्थानीय निवासी अमित मान के परिवार से मिलने के लिए शुक्रवार सुबह करनाल जिले के घोघरीपुर गांव पहुंचे। राहुल के इस दौरे की जानकारी स्थानीय कांग्रेस नेताओं या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को नहीं थी। गांव के लोगों ने बताया कि अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल ने अमित मान से वहां मुलाकात की थी और उन्हें भरोसा दिया कि वो भारत लौटने के बाद उनके परिवार से मिलेंगे। अपनी बात पर कायम रहते हुए राहुल सुबह करीब 6 बजे घोघरीपुर गाँव जा पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक कैसे खराब हुई? क्या उन पर अल्कोहल का प्रभाव था या पार्टी नेतृत्व की ओर से दिए गए किसी निर्देश का भारी मानसिक दबाव? उनको चंडीगढ़ में भर्ती ना करा के दिल्ली के अपोलो अस्पताल तक लाया गया और उन सब के बावजूद आप नेताओं की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। गंभीर कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। खबर है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं और हरियाणा चुनावों के बाद उन्हें बदला जा सकता है। जाहिर है इससे मान के नेतृत्व के चारों ओर कई सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके लिए सरकारी आवास की मांग कर रही है। आप नेता राघव चड्ढा ने बता दिया है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलना चाहिए, उन्होंने तो मीडिया से बात करते हुए पूरा कानून समझा दिया। जोर देकर बोला है कि नियमों के तहत आप संयोजक को सरकारी आवास मिल सकता है। क्या सनातन धर्म इतना खतरे में है कि अब रक्षा करने की नौबत आन पड़ी है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू पर बड़े विवाद के बीच अब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने की मांग उठी है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने की है। बता दें आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित रूप से जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पवन कल्याण ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। ये विवाद तब सामने आया है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पिछली YS जगनमोहन रेड्डी सरकार ने तिरुपमाला में लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह पशु की वसा का इस्तेमाल किया था। कथित तौर पर इसकी पुष्टि एक निजी लैब की रिपोर्ट में हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिली, जिसके बाद विवाद हो गया। इस मसले पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घी में मिलावट के आरोप आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के 100 दिनों के शासन से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एंट्री हुई है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से जानकारी मांगी है। नड्डा ने कहा कि इस मामले की जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। ताइवान ने लेबनान में हिजबुल्ला के पेजर में धमाके पर सफाई दी है। ताइवान की सरकार ने कहा है कि हथियारबंद ग्रुप हिजबुल्ला द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर के पार्ट्स उसके देश में नहीं बने थे। ये बयान ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलोट के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि इस हमले में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को उसने नहीं बनाया था। लेबनान की सरकार ने कहा कि मंगलवार को हुए हजारों धमाकों में कम से कम 3,000 लोग घायल हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं।
पेजर के अलावा वॉकी टॉकी में भी धमाके हुए और इसके लिए इसराइल पर आरोप लग रहे हैं और इसकी वजह से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया है। इसराइल ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के अनुसार ये लॉन्चर्स इसराइल की ओर हमले करने के लिए तैयार थे। IDF के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में हथियारों के गोदामों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक के सुर्खों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।